यूनिट नंबर 6 के पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीक्वेंसेस के बात अपनी स्टार्ट की थी कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं और किस तरीके से हमारी जो है उनके अंदर टर्म्स प्रोग्रेस कर रही होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड लेक्चर के अंदर देखी थी ये बात कि हमारे पास जो सीक्वेंस के प्रोग्रेस करने का तरीकाकार होता है वो एक खास रूल के तहत होता है। वो रूल हम लोगों ने जब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डील किया, देन वी केम टू नो कि वो हर सीक्वेंस के लिए डिफरेंट होता है। अब आउट ऑफ दैट मैनी रूल्स हम लोग यहाँ पे चंदे को डिस्कस करेंगे और उनके तरह उन रूल्स को फॉलो करने वाली सीक्वेंसेस को हम लोगों ने स्पेशल नाम भी दे रखे हैं। उनमें से एक सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब ये किस तरह की प्रोग्रेशन होती है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। ही सेज अ सीक्वेंस इज सेट टू बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी शॉर्ट फॉर्म हम लोग इसकी यूज करते हैं, इफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल्स टू डी। अब ये ए एन प्लस वन या ए एन क्या है हम लोगों ने बात की थी, जो ए के लोअर इंडिसेस में नंबर लिखे होते हैं वो बेसिकली उस पोजीशन के टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी एंथ टर्म पे जो नंबर होगा, एन प्लस वन टर्म पे जो नंबर होगा, ए एन प्लस वन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और डी क्या है जी, डी उनका कॉमन डिफरेंस होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस आपके साथ डिस्कस करूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिवन अ सीक्वेंस 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, तो इसके अंदर आपको जो रूल नज़र आ रहा है वो क्या है जी कि हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म के अंदर 3 ऐड करने, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10 एंड सो ऑन। यानी कि मैं हर अगली टर्म में से जब उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करूंगा तो मेरे पास जवाब क्या आ रहा है, 3। और यही चीज़ मैं यहाँ पे जनरली लिखी हुई है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में कि ए एन प्लस वन में से जब उसे एक पिछली टर्म में माइनस करूँगा तो मेरे पास डी आएगा। वे डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस जो थ्रू आउट हर दो कंजेक्टिव टर्म्स के दरमियान कॉमन चल रहा होगा। चाहे मैं 4 माइनस 1 करूँ, अगर मैं 7 माइनस 4 करूँ इट विल अगेन बी 3, अगर मैं 10 माइनस 7 करूँ इट विल अगेन बी 3। मतलब हर दो कंजेक्टिव टर्म का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस हमारे पास कॉमन जा रहा होगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन आ जाती है। अब इससे रिलेटेड चंद एक मजीद बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। उनमें से सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है, सर ये रूल हम लोगों ने देख लिया, एक एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस की कि कॉमन डिफरेंस मूव कर रहा है, तो क्या हम इस रूल को जनरलाइज करके किसी फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आइए इसको देखते हैं। जनरल फॉर्मूला की या जनरल रूल की डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं जी। व्हाट इफ के अगर हमें किसी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मालूम हो, उसका कॉमन डिफरेंस हमें दे दिया जाए, तो हम जनरल उसका रूल कैसे फाइंड कर सकते हैं या उसकी जनरल एंथ वैल्यू, हाउ कैन वी फाइंड दैट? तो उसके लिए देखते हैं कि हमने डिस्कस की ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, यानी हर नई टर्म पिछले टर्म में उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करने से आ रही थी। तो अगर मेरे पास ए वन फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूं, तो व्हाट विल आई गेट इन रिजल्ट? मेरे पास मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरह अगर मैंने अपनी थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो मैं थर्ड टर्म में क्या करूँगा, जो इससे पिछली टर्म थी यानी ए टू विच इज़ ए वन प्लस डी, उसके अंदर मैं क्या चीज़ ऐड करूंगा जी, कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, और एज अ रिजल्ट ये मेरे पास क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम ए वन प्लस टू डी। इसी तरह अगर थर्ड के बाद मैंने फोर्थ टर्म निकालनी हो, तो ए फोर कैसे निकलेगी, ए फोर सिंपल है कि इससे पिछली टर्म में एक डी ऐड करेंगे, इससे पिछली टर्म ए थ्री, ए थ्री किसके इक्वल है, ए वन प्लस टू डी। तो अगर मैं ए वन प्लस टू डी में एक कॉमन डिफरेंस ऐड करूं तो मेरे पास अगली यानी ए फोर्थ टर्म आ जाएगी, एंड विच विल बी ए वन प्लस थ्री डी, ये आपके पास फोर्थ टर्म आ जाती है। अगर मैंने पांचवी टर्म निकालनी है, पांचवी टर्म यानी ए फाइव, तो क्या करना पड़ेगा, जो ए फाइव से पिछले यानी ए फोर टर्म है उसमें डी ऐड करूंगा। ए फोर क्या है आपके पास, ए वन प्लस थ्री डी, तो जब मैं ए वन प्लस थ्री डी में उसका कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा मेरे पास ए फाइव आएगी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी, ए वन प्लस फोर डी।
अब यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, जब मैंने ए टू फाइंड किया तो उस टाइम मेरे पास 1D ऐड हो रहा था, D के साथ 1 था उसका कोएफिशिएंट। सिमिलरली जब मैंने A3 फाइंड किया तो तब मेरे D का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2। जब मैंने A4 फाइंड किया देन इट्स कोएफिशिएंट बिकेम 3। तो यहां से एक चीज देखने के आ रही है कि मैं जो भी टर्म फाइंड कर रहा हूँ D का कोएफिशिएंट उससे कम है, बाकी सारी वैल्यूज A1 और D एज इट इज मूव कर रही है। चेंज किस में आ रहा है, A के लोअर इंडिसेस में, जो नंबर उधर आ रहा है डी का कोएफिशिएंट उससे एक कम आ रहा है। तो अगर मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करूं अपनी बात को तो मुझे क्या पता चलेगा, आई कम टू नो कि जो मेरी ए एन है उसमें ए वन और डी ने तो सेम रहना है, प्लस भी वैसे, फर्क क्या आना है कि जो लोअर इंडेक्स है ए का, जो यहाँ पे एन है, डी का कोएफिशिएंट उससे एक कम आना है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास इस प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या बन जाती है, A1 प्लस एन माइनस 1D। तो ये हम लोगों ने एक इसका जनरल फॉर्मूला या जनरल रूल जो है वो समझ लें कि ड्राइव कर लिया है। अगर आप इसकी डेरिवेशन को मजीद डिटेल्स में प्रॉपर वे से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अब हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक रूल, एक जनरल फॉर्मूला एंड स्टर्म का डिफाइन कर लिया है, विच इज़ ए एन इक्वल ए वन प्लस एन माइनस 1D। अब आगे थ्रू आउट चैप्टर में हमें जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंसेस के हवाले से क्वेश्चन आएंगे तो हमारे माइंड में फ़ौरन से ये फॉर्मूला क्लिक कर जाना चाहिए, एंड थ्रू आउट द एक्सरसाइज हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से, दे ऑल विल बी डील्ड विद दिस फॉर्मूला। मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ही सेज राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसने हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसके लिए वैल्यूज डिफाइन की हुई है, एंड ही हैज रिमाइंडेड अस फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या चीज़ें हमें गिवन है जी, पहली बात जो उसने हमें दी हुई है वो है जी के A1 आपके पास है 5। दूसरी चीज उसने हमें क्या की है, द अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26 एंड 29। हमें नहीं पता कि ये पहली दूसरी तीसरी या कितनवी टर्म्स हैं, बट वी आर गिवन दैट कि ये तीनों 23, 26, 29 कंसेक्यूटिव टर्म है। अगर ये कंसेक्यूटिव है तो इट मींस इनका कॉमन डिफरेंस चल रहा होगा, 23 से 26 में डिफरेंस 3 का है, 26 से 29 में डिफरेंस भी कितना है, 3 का ही है। तो यहाँ से हम अपना कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से बात हो रही है तो हमें पता है क्या चीज़ जी, फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने इसका ड्राइव किया, विच वाज ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस 1D। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इस फॉर्मूला के मुताबिक मुझे A1 गिवन है 5, D मैं वहाँ से निकालूंगा जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, और n जो हम लोगों ने पहली 4 रकमें फाइंड करनी है, मेरा n कोरेस्पॉन्डिंगली 2, 3 एंड 4 होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हम लोग फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं d, वो हमारे पास क्या होगा, चूँकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि 26 में से 23 माइनस करूँगा तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस ही आएगा। क्यों, दो बातें हमें पता है जो सवाल में गिवन है, क्या, फर्स्ट इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या होगा जी कि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम जा रहा है, और दूसरी चीज चूंकि ये कंसेक्यूटिव है तो मैं किसी भी दो को माइनस करके देख सकता हूं, मैं 29 में से 26 करूं या 26 में से 23, माय डिफरेंस विल बी 3। उसके बाद A1 इज 5। अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ, विच इज A2। तो ये आ जाएगा जी 1 प्लस n की जगह हमने क्या पुट किया है जी 2 माइनस 1, और d आपके पास आ जाएगा जी एज इट इज। ओके, A2 वैसे ही, A1 फर्स्ट टर्म वी आर गिवन विद 5 प्लस 2 माइनस 1, 1 हम लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि d की वैल्यू आपको कितनी हम लोगों ने निकाली है जी 3। सो 3 ones are 3 प्लस 5, दैट मेक्स आर सेकेंड टर्म एज 8। तो मेरे पास इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म क्या आ जाती है जी 8 आ जाती है। थर्ड टर्म की तरफ मूव करते हैं।
इसी फॉर्मूला में n की जगह पे 3 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा जी, a1 वैसे ही प्लस n की जगह 3, 3 माइनस 1 विल बी 2 एंड d विल कम एज इट इज। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a1 हमारे पास कितनी थी जी 5, ओके प्लस 2, d कितना फाइंड किया हम लोगों ने 3, सो दैट मेक्स 2 3 आर 6 एंड 6 प्लस 5 विल बी 11 हमारे पास आ जाती है इस प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म। फाइनली फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो इसी फॉर्मूला में n की जगह पे 4 पुट करते हैं, a4 क्या आ जाएगा जी, a1 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाता है जी 3 एंड d विल रिमेन सेम। ओके अब a1 की वैल्यू क्या थी आपके पास 5 प्लस 3 एंड द कॉमन डिफरेंस वाज आल्सो 3, सो 3 3 इज आर 9 एंड 9 प्लस 5 इज 14 हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी फोर्थ टर्म की। तो ये हम लोगों ने इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी, सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म हम लोगों ने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स और बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने आने वाले अगले लेक्चर्स में देखेंगे।